ठीक है, तो अभी हम लोग जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है परख 50 करके 31 मार्च को, उसका हम लोग 12th टू टारगेट मूविंग स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री पेपर है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं, देखना है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 185 ग्राम ऑफ वाटर शोज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.80 केल्विन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और ये के बी वैल्यू दिया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का है, और सॉल्यूशन में एक रिलेशन होता है डेल्टा पी बी दिस इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, सीधे आपको डेल्टा टी बी दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग के बी, और एम का वैल्यू ये होगा वेट इन ग्राम बटा क्या मॉलिक्यूलर वेट, और ये यहाँ पे हम लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, केजी में लिखते हैं तो ऊपर क्या चला जाएगा 1000। ये वेट किसका है? सॉल्यूट का, और ये कैपिटल डब्ल्यू जो है ये वेट है सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दे रखा है, आप इसको वैल्यू को रखेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके जो आएगा हमें ये बताना है मॉलिक्यूलर वेट बताना, जिसको उन्होंने मोलर मास बोला है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आएगा डी 43.92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ग्लिसरीन पर लीटर इज आइसोटोनिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, विथ 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन इज। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि पाई वन दिस इज इक्वल टू पाई टू, और इसको लिख सकते हैं सी वन आर टी, हाँ पाई बराबर सी आर टी होता है, दिस इज इक्वल टू सी टू आर टी। आर टी से आर टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सी वन बराबर सी टू, और यहाँ जो कंसेंट्रेशन वो हम लेते हैं मोलैरिटी में, और मोलैरिटी क्या होता है तो मोल बटा वॉल्यूम, मोल को लिख सकते हैं वेट इन ग्राम बटा मोलर मास, है ना मोलर मास, या इसी को आप मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, और साथ में वॉल्यूम कितना दिया है तो वॉल्यूम यहाँ रख देंगे, वॉल्यूम लीटर में होता है। इधर अगर बात करें तो ये 2% का मतलब ये किसमें दिया है, वेट बटा वॉल्यूम में, ये दिया है किसमें, वेट बटा वॉल्यूम में। ठीक है, तो आप फिर से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 2 ग्राम है 100 ml सॉल्यूशन में, तो इसका तो हमारा वेट दे रखा है, तो इसको 2 सीधे लिख देते हैं, 2 अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, तो जब इसको आप इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो ये आता है 180। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे क्या 180, और वॉल्यूम तो 100 ml है, तो 100 ml लीटर करना है तो ऊपर क्या चला जाएगा 1000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम यहाँ 1 रख के वेट आपको दे रखा है, ग्लिसरीन कितना है 10.2, सारा कुछ रखेंगे तो ये मोलर मास हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, और ये मोलर मास का वैल्यू आएगा 91.8 ग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये 2% जो है ये वेट बाय वॉल्यूम, याद रखिएगा, कभी भी अगर मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज को क्या मानना है, वेट बाय वॉल्यूम, और अगर हमें मोलैलिटी फाइंड करना है, अगर हमें मोलैरिटी फाइंड करना है कैपिटल एम तो उसको मानना वेट बाय वॉल्यूम, और अगर मोलैलिटी पता करना है स्मॉल एम तो फिर उसको मानेंगे वेट बाय वेट, 2 ग्राम इन 100 ग्राम, अभी बोलेंगे 2 ग्राम इन 100 ml, तो यहां हमें मोलैरिटी चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे इसका ई नॉट वैल्यू पूछ रहा है ना, इस रिएक्शन का ई नॉट पूछ रहा है, और इन दोनों का ई नॉट दिया है, तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें करते क्या है, जो भी ई नॉट है उसको किस में बदल लेते हैं, डेल्टा जी नॉट में, तो ये डेल्टा जी नॉट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट होता है, एन कितना है यहाँ पे 1, एफ
और ई नॉट वैल्यू दे रखा है 0.15, फिर क्या होगा इसका भी हम लोग बना लेंगे डेल्टा जी नॉट टू, इसका क्या होगा, ई नॉट को डायरेक्ट नहीं हम ऐड करते हैं यहाँ पे, पहले ई नॉट को बदलते हैं डेल्टा जी नॉट में, तो ये हो जाएगा माइनस एन का वैल्यू कितना है 2 × f और ई नॉट कितना है 0.34 ये दिया है, ठीक है। हमें इस इक्वेशन के लिए चाहिए, अब इन दोनों इक्वेशन के साथ हम क्या ऐसा करें कि ये मिल जाए, तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कॉपर प्लस रिएक्टेंट साइड है, इसमें प्रोडक्ट साइड है, तो इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स करना पड़ेगा मतलब क्या, हमें माइनस इक्वेशन वन लिखना होगा, क्या लिखना होगा माइनस इक्वेशन वन, और इक्वेशन टू के साथ तो कुछ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसमें कॉपर प्रोडक्ट साइड है, यहाँ भी प्रोडक्ट साइड है। अच्छा जब इसको रिवर्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन, इधर दो इलेक्ट्रॉन, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो माइनस इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, और जब ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा डिजायर्ड इक्वेशन, ये हम क्या पता कर लेंगे डिजायर्ड इक्वेशन, डिजायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब बस वैल्यू रख देना है, माइनस इक्वेशन वन ये आया है वैल्यू, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा f इंटू 0.15, ठीक है, प्लस इक्वेशन टू, तो ये प्लस और माइनस, तो माइनस 2f 0.34, हाँ अच्छा अगर इसके लिए हम बात करें डेल्टा जी नॉट थ्री की, तो इसका n वैल्यू कितना है 1f और इसका e नॉट हमें पता करना, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा f इंटू ई नॉट के। अच्छा ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे जो इक्वेशन होता है दिस इज माइनस 1 × f इंटू ई नॉट, माइनस साइन के साथ होगा, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे f तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ई नॉट हम फाइंड आउट करेंगे, और जब आप ये सॉल्व करते हैं तो ये ई नॉट आता है हमारा प्लस में 0.53। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कब होगा सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का कंडीशन है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए नेगेटिव या नॉट कर दे स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, और ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। अब देख लीजिए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव बी ऑप्शन, डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन का दे रखा है, तो बस सिंपल सा इक्वेशन डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ये ई नॉट सेल कैसे आएगा, तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होगा यहाँ पे, तो ई नॉट सेल होगा एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसका कैथोड का माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, कौन कैथोड कौन एनोड, तो हम जानते हैं गैल्वेनिक सेल में एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन यहां देखो आयरन किस में बदल रहा है Fe प्लस टू में, और ये हो रहा है रिडक्शन, मतलब यहाँ एनोड किसका होगा आयरन का और कैथोड किसका होगा कॉपर का, ठीक है। तो इन्होंने दे रखा है आपको ये जो वैल्यू दे रखा है ये SRP वैल्यू दे रखा है किसका एनोड का, और ये SRP वैल्यू किसका दे रखा है कैथोड का, तो कैथोड माइनस एनोड करते हैं, तो कैथोड का वैल्यू कितना है प्लस में 0.34 और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा ये SRP वैल्यू है, देखो आयन किस में बदल रहा है एटम में, कैसे बदलेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके यानी रिडक्शन होगा, तो ये SRP वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस और वो माइनस, तो ये हो गया 0.44।
फोर, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.78 वोल्ट। हाँ अब इसको यहाँ रख देंगे। एन का वैल्यू क्या है इस गिवन रिएक्शन के लिए, एन हो गया 2, एफ का वैल्यू होता है 96500 और ई नॉट सेल कितना है 0.78। ये जो भी आंसर आएगा ये किस में आएगा, आंसर जूल में आएगा। ऑप्शंस किस में, किलो जूल में, किलो जूल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आता है 150.5 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज क्या होता है, तो ये तो सिंपल सा है, लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड। लेड सल्फेट बोले तो क्या, PbSO4, PbSO4, आंसर होगा सी। अब ये रिएक्शन है, अब पूछ रहा है किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन आपस में रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो अगर मैं H2 और अमोनिया को रिलेट करूं तो अगर इसके लिए मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा -dN2/dt। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -1/3 और ये होगा TH2/dt और ये बराबर हो जाएगा क्या, ये 1/2 dNH3/dt। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि कंसेंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, प्लस साइन, प्लस दे या ना दे अंडरस्टूड है, वो बता रहा है कंसेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब आप देख लो किसको किससे रिलेट कर रहा है, तो H2 और अमोनिया को, तो -1/3 dH2/dt ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हाँ इन दोनों को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिएक्शन एक्स गिव्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो आर बराबर लिखूंगा के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स और इसका पावर क्या एन, ये जो एन है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स हो रहा है तो रेट कितना टाइम्स हो जा रहा है, रेट हो जा रहा है 27 टाइम्स, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन जो है वो 3 टाइम्स, तो मान लेते हैं पहले कंसेंट्रेशन सी है तो आर बराबर क्या लिखेंगे, के इंटू सी और इसका पावर क्या होगा एन, है ना। अब क्या बोल रहा है, आर डैश, ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं आर डैश को क्या लिखेंगे, इसको आप चाहो तो ऐसे कंपेयर कर ले सकते हैं, कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स हो रहा है तो ये क्या होगा वैल्यू, कि ये 3 होने से ये 27 हो जाए, तो ये 3 है तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, मतलब n का वैल्यू क्या होगा 3, सीधे से ओरली हो जा रहा है, n का वैल्यू क्या होगा 3। n को क्या बोलते हैं, n को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर, और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर, हाँ किस रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट, तो रेट का यूनिट क्या होता है, तो रेट का यूनिट क्या होता है, पहले रेट का यूनिट पता कर लें। किसके लिए ऐसा देखने को मिलता है, तो रेट होता क्या है, तो रेट होता है मोलैरिटी टाइम इनवर्स और रेट बराबर क्या होता है, ये होता है के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या एन, ये लिखते हैं, ठीक है। अब यहां से के को क्या लिख सकते हैं, तो के को लिख सकते हैं क्या
आर अपॉन कंसेंट्रेशन आर, और इसका पावर क्या है एन, ठीक है, ये रेट है, सॉरी ये रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है। तो यहां से हम क्या एक्सप्रेशन बना सकते हैं, तो के को लिख सकते हैं क्या, तो के बराबर हो जाएगा क्या, तो रेट को अभी हमने बोला क्या मोलैरिटी टाइम इनवर्स, बस यूनिट यूनिट देख रहे हैं, और रेट को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं मोलैरिटी, और इसका पावर क्या एन, तो ये ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा मोलैरिटी का पावर क्या, ये हो जाएगा वन माइनस एन, और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स, ये टाइम इनवर्स। अब आप देख सकते हैं के का जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। अभी हमने बोला, वो कह रहा आपसे वो किसके लिए ऐसा होगा कि रेट और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट क्या हो, सेम हो। तो आप देखो अगर एन का वैल्यू हम जीरो रख दे तो वन माइनस जीरो क्या वन, तो मोलैरिटी टाइम इनवर्स, और रेट भी क्या है मोलैरिटी टाइम इनवर्स, मतलब एन का वैल्यू क्या होगा जीरो, यानी कि किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमसे क्या पूछ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो आप कॉन्फ़िगरेशन अगर जानते हैं तो हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन है, कॉपर है, निकल है, क्रोमियम है और आयरन है। तो एक बार सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, क्रोमियम, क्रोमियम अगर ध्यान हो तो क्रोमियम होता है D5S1, हाँ, और क्रोमियम प्लस 3 बोले तो यहाँ से एक जाएगा और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो ये क्या बचेगा D3 बचेगा। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तीन। उसी तरह से क्रोमियम के बाद किसको देख लेते हैं, आयरन, तो आयरन क्या होता है, तो क्रोमियम मैंगनीज, और मैंगनीज 25 है और आयरन 26 हो गया, तो 26 हो गया तो इसको बोलेंगे D6S2, 26, ठीक है। अब इसमें से हमें किसके लिए बताना है, तो हमें बताना है Fe+3 के लिए, तो +3 करेंगे तो दो यहां से और एक जाएगा यहां से, तो ये बचेगा कितना D5 बचेगा, ठीक है, Fe+3 हो गया। इसके बाद किसको देख लें, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, निकल की बात करते हैं, निकल, तो क्रोमियम आयरन 26 है, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28, और 28 बोले तो D8S2, लेकिन हमसे किसके लिए बात हो रही है, निकल +2 के लिए, तो ये दो जाएगा तो ये बचेगा D8। अब D8 में जब हम लोग ऑर्बिटल को फिल करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग शुरू करेंगे 6, 7, 8, तो बचा कितना, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें अनपेयर्ड 3 है, इसमें अनपेयर्ड 5 है, और 8 को जब आप फिल करेंगे ऑर्बिटल में, जब इस तरीके से फिल करेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, तो कितने अनपेयर्ड हैं, दो। लास्ट में क्या है, कॉपर, तो कॉपर भी जानते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D10S1, और यहाँ पे कॉपर जो है +2 है, तो +2 है तो ये D9 हो जाएगा, D9 बोले तो 5, अभी हमने 8 को भरा था, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 में एक, और तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बस बचेंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक अनपेयर्ड। अब आपको अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, मतलब सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है, Fe+3 में, उसके बाद कौन है, Cr+3, फिर है निकल +2, और फिर है कॉपर +2 है ना, हाँ, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपली आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये तो इनऑर्गेनिक को याद रखने वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म एंड व्हाट इज इट्स कलर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये आप पढ़ते हैं जब KMnO4 है ना, पोटेशियम पर मैंगनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन किसका होता है, तो ये फॉर्म कर जाता है, यहाँ पे कौन फॉर्म करता है, तो ये फॉर्म करता है K2MnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट, K
KMnO4 होता है पर मैंगनेट, तो पहले क्या बनता है K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। कलर ध्यान रखना है, कलर कैसा होता है इसका, डार्क ग्रीन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है, देखिए वर्नर थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वर्नर थ्योरी के हिसाब से कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, है ना, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, तो आंसर होगा ए। ठीक है, 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आईयूपीएसी नेम, इसका हमसे नाम पूछ रहा है, K3FeCN5NO। अब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोले तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉम्प्लेक्स आयन पे, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होता है उसमें सफिक्स 8 लगता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, आयरन, आयरन नहीं होगा, फेरेट होगा। अब क्या नाम होगा, तो पोटेशियम। हाँ, और यहाँ पे देखें तो ये NO है और ये CN है, CN कितना है, 5 है, तो पेंटासाइनो होगा, पेंटासाइनो नाइट्रो। अब ये NO को यहाँ पे क्या बोलेंगे, है ना, तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं क्या होगा, बताएं। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, सॉरी ये चार्ज देखें, तो पोटेशियम K3 है, तो 3K+, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा, है ना। और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं एक्स मेथड से, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम पेंटासाइनो, और ये जो NO है इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसाइल, और यहाँ पे NO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है +1। ठीक है, NO यहाँ पे +1 है, और ये अगर देखिए आप एक्स मेथड से, तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, +5 × -1, और +1 दिस इज इक्वल टू -3, तो ये हो गया एक्स -5 + 1 = -3, तो ये कितना हो गया, एक्स -4 इज इक्वल टू -3, तो ये +3 जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे है ना, तो सिंपली आप यहां से देख सकते हैं, ऑप्शन से आप फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ पे फेरेट क्या है, तो फेरेट यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2, है ना। एक्स मेथड से आप चेक कर लेना, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, पेंटासाइनो नाइट्रो, है ना, तो नाइट्रो नहीं है ये, ठीक है, ये नाइट्रो नहीं है, और फेरेट 3, तो ये NO है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2। ठीक है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 2। ठीक है, NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं, नाइट्रो होता तो NO2 बोलते हैं, है ना, NO2 होता तो नाइट्रो बोलते, अभी क्या बोलेंगे, NO2 को बोलते हैं ना नाइट्रो ग्रुप, है ना, तो ये NO है तो नाइट्रोसिल, तो वहीं से हो जा रहा है ये। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंपाउंड एक्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 इज ट्रीटेड विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये बेंजीन है हमारा, ठीक है, और इससे क्या लगा है, ये CH3, इसको टॉलिन बोलते हैं, और एरो पे क्या है, तो Cl2 है और साथ में FeCl3 है, तो एक्चुअल में ये जो है एक ESR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, ठीक है। अब ये सी एच थ्री ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सी एल टू एफ ई सी एल थ्री से क्या मिलने वाला है हमें, सी एल प्लस। अब ये सी एल प्लस कहाँ अटैक करेगा, तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, यहाँ जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, ए, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था हमारा, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर दो दे आर पोलर बिकॉज, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में तभी मिसिबल होगा, वाटर में तभी सॉल्यूबल होगा जब वो वाटर के साथ क्या बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दे रिएक्ट विथ वाटर दे कैन नॉट फॉर्म, हाँ आ गया, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए वाटर में कैसा होगा, इमिसिबल, इमिसिबल बोले तो इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2, तो ये कॉल्बे शेमिड रिएक्शन है, इसमें सैलिसाइलिक एसिड बनता है, ये ध्यान रखना होगा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये कॉल्बे शेमिड रिएक्शन है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है, फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH के साथ सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एन अल्कोहल एक्स ऑन हीटिंग विद कंसेंट्रेटेड H2SO4, हाँ ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन, एक एल्कीन बनाता है विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एल्कोहल इसमें से कौन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कौन, जो एल्कीन फॉर्म हो रहा है, तो इसमें चेक कर लेंगे, ये पहला हम देखते हैं, तो ये है सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच सी एच थ्री, ठीक है। अब कंसेंट्रेटेड एक को चेक कर रहे हैं, कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ से ओ एच और बगल वाले से एच, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। अब ये जो एल्कीन बना है उसमें देखिए, ये जो एस पी टू कार्बन है, ये एस पी टू कार्बन है और ये कार्बन भी क्या है, एस पी टू, तो एस पी टू कार्बन से एक मिथाइल एक एच लगा है, इधर भी एस पी टू कार्बन से एक मिथाइल एच, दोनों डिफरेंट हैं, तो ये जी आई शो करेगा, बाकियों में भी चेक कर ले सकते हैं आप, जब आप इसमें चेक करेंगे तो बाकियों में ऐसा नहीं, तो आंसर क्या मिलेगा, ए, बाकियों में ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है, वो सीधे सीधे ये जी आई शो करेगा, जी आई बोले तो सिस ट्रांस, ना एक सिस फॉर्म होगा और दूसरा ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स विल शो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, तो देता है एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच, तो बताओ ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और इसमें अल्फा एच नहीं है, तो ये शो करेगा, इसमें भी देखिए, तो इसमें भी अल्फा एच नहीं, सी सिक्स एच फाइव बोले तो क्या, ये बेंजीन रिंग बना देंगे, हाँ, और इससे क्या लगा देंगे, सी एच ओ, तो ये कार्बन जो है दो एक तीन एक चार, इससे कोई अल्फा एच नहीं है, यहाँ भी कोई अल्फा एच नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, आंसर क्या होगा, डी, याद रखना है, कैनिजारो रिएक्शन बोले तो एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल इथेनॉल क्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है, सब में आप अगर फाइंड करेंगे तो सबसे ज्यादा क्लोरोएसिटिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोएसिटिक एसिड में क्लोरो सीएल है, माइनस आई इफेक्ट सीएल का लगेगा और माइनस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है,
इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें क्लोरोएसिटिक एसिड ज्यादा है, सी ऑप्शन, इथेनॉल से ज्यादा फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा एसिटिक एसिड, और उससे भी ज्यादा क्लोरो एसिटिक एसिड। वैसे भी दिख रहा है इसके नाम में ही एसिड है इन दोनों में, तो इन दोनों का तो हमेशा ज्यादा होना इन दोनों से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू हाईएस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो पीकेबी क्या होता है, तो पीकेबी दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी। अब केबी जो है जितना कम होगा पीकेबी उतना ज्यादा, केबी कम का मतलब क्या है, वीक बेस। केबी कम बोले तो वीक बेस, मतलब आपको एक तरह से क्या ढूंढना है, वीक बेस ढूंढना है। हम ढूंढ लो कौन सबसे वीक, तो बाकी आपको पता होगा अमोनिया जो है ये अमोनिया है, बाकी सब क्या है, एमीन्स है। तो एमीन्स जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, क्यों, क्योंकि एमीन्स में एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिक नेचर को बढ़ाता है। तो वीकेस्ट बेस यहाँ कौन है, बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग विच विल गिव द पॉजिटिव कार्बाइलेमीन टेस्ट, कार्बाइलेमीन रिएक्शन देता कौन है, कार्बाइलेमीन रिएक्शन देता कौन है, तो कार्बाइलेमीन रिएक्शन जो है ये देता है 1 डिग्री एमीन, कौन देता है, ये देता है 1 डिग्री एमीन, ये कौन देता है, 1 डिग्री एमीन देता है। और 1 डिग्री एमीन ढूंढ लीजिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, फिर ये 1 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री में भी दोनों देंगे, कौन कौन, एलिफैटिक, एलिफैटिक माने एल्काइल ग्रुप्स वाले, एलिफैटिक और क्या, एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4, किसमें है, बी में है, 1 और 4, तो ये 1 और 4 हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एनोमेरिक कार्बन इन डी प्लस ग्लूकोज। एक्चुअल में ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये देखने को मिलता है ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो जो ग्लूकोज होता है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग, ये ग्लूकोज है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और इससे भी ये लगा होता है ये बाहर में 6, है ना, और इस 1 से जो OH है इससे अगर नीचे लगा है इसको अल्फा बोलते हैं, और अगर ये OH फर्स्ट कार्बन से ऊपर लगा है तो इसको बीटा बोलते हैं। तो ये अल्फा और बीटा फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एनोमर। और ये किस आधार पे है, तो C1 से OH किधर लगा है, तो C1 यहाँ पे क्या कहलाएगा, एनोमेरिक कार्बन, तो आंसर होगा ए, 47 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज जानते हैं हम, सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, क्या है, सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड। अब किसी भी ऑप्शन में पॉलीसेकेराइड शब्द तो लिखा नहीं है, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड मतलब लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, सेल्यूलोज जो है उसमें बीटा ग्लूकोज होता है ना, तो एक भी नहीं है, तो आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, अब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमसे पूछ रहा है इन एलिमेंट्स का, तो इसको देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन कहाँ है, तो कार्बन है, कार्बन के बगल में नाइट्रोजन है, इसके नीचे कौन होगा, सिलिकन, और नाइट्रोजन के नीचे होगा फॉस्फोरस, तो इतना तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो ये होगा क्या, P2 और ये होगा P3, तो P3 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, अच्छा यहाँ पे जो है ये 2P2 है, ये 2P3 है, नीचे में आ जाएगा ये 3P2 और 3P3। अब आप देख सकते हैं इसमें ये 2P जो है वो न्यूक्लियस के पास होगा, तो पास होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस का क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या
तो ये तो पक्का है कि कार्बन और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, किससे किससे ज्यादा होगा, सिलिकन से और फॉस्फोरस से, ये तो पक्का है। बाकी आप देख सकते हो कार्बन नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होगा, सिलिकन फॉस्फोरस में किसका ज्यादा होगा, तो SiPCN ये होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा 11th का भी कुछ पोर्शन यहाँ पे दिया है, तो आप जानते हैं एक रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग, क्या वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसमें चेक कर लीजिए डेल्टा एन जी ये क्या कह रहा है, अगर डेल्टा एन जी दिख रहा है ये डेल्टा एन जी आर टी, अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो फिर कैसे, अगर ये पूरा जीरो होगा तो उस केस में डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा यू, यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन, तो हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन हम कर सकते हैं, यहाँ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन यू, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा। ठीक है, तो तब ये सही है, हमें गलत ढूंढना है तो गलत है ये, वैसे आप इसको देख सकते हैं साफ दिख रहा है कि ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हो गया सारा, आई होप ये सेशन आपको सही लगा होगा, है ना, आपने जितना कुछ पढ़ा है क्लास 12th में, थोड़ा बहुत क्लास 11 ज्यादा नहीं था, तो आई होप ये सही होगा आपके लिए, एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिए घर पे खुद से। थैंक यू।